हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इन दिस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कैसे 5M में ग्राफिक्स मोड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइल डाउनलोड करते हैं, तो सब सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहाँ से मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लिंक, ये कोर एफएक्स 5M ग्राफिक्स मोड, इसको डाउनलोड करेंगे हम लोग। ये तो ये डाउनलोड हो गया, आपका डाउनलोड सेक्शन पर मिल जाएगा। मैं इसको डेस्कटॉप में रखता हूँ फिलहाल, तो इसे ओपन करता है अभी। तो ये इसके अंदर फाइल्स हैं, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को 5M के फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपका 5M का जो आइकॉन है, या फिर डेस्कटॉप पे, या फिर जहाँ का भी है, ओपन फाइल लोकेशन करना है। तो फाइल लोकेशन में आ जाएगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर हम लोग को जाना है 5M एप्लीकेशन डाटा के अंदर। यहाँ पे एक फोल्डर होगा, देखना, प्लगइन्स नाम करके, इसके अंदर जाना है। और ये जो हम लोगों ने डाउनलोड किया मोड, इसको ओपन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोर ENB जो ग्राफिक्स मोड है, तो उसको पहले ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी प्लगइन्स फोल्डर दे के रखा है, बस इसके अंदर जो फाइल्स हैं सबको कॉपी करना है, प्लग इसमें पेस्ट करना है। ओके, तो नेक्स्ट कोर एफएक्स जो मोड्स है, पहले भी यहाँ पे सेम फोल्डर मिल जाएगा। मोड्स के अंदर जाना है, जस्ट इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड फिर से दोबारा वापस जाएंगे, तो यहाँ से ऑप्शनल कुछ फाइल्स है, अगर आप लोग ये फाइल यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। पहला है ब्राइट इमरजेंसी लाइट्स, तो इमरजेंसी लाइट्स को ब्राइट करेगा। और यहाँ पे फाइल्स का नाइट में कैसा दिखता है, यहाँ पे डेमो देख के रखा है, हर एक के अंदर मिल जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट है और ये मॉडेड है जो अभी यूज़ करने वाले हैं, इमरजेंसी लाइट। ओके, तो इसको मोड्स के अंदर फिर से सेम फोल्डर में इसको एक्स्ट्रा करते हैं। एंड देन मोशन, डिजेबल मोशन ब्लर, अगर मोशन ब्लर आपको पसंद नहीं है तो इसको डिसेबल कर सकते हैं। एंड रिमूव कॉर्नर, ये वाला है आपका व्हीकल्स का जो लेंस है, वो ये जो डिफ़ॉल्ट है, ये अब लेंस पहले दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको ये बंद कर देता है, थोड़ा और भी अच्छा दिखता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। ऑलरेडी फाइल है, क्योंकि वो सेम फाइल यूज़ कर रहा है, इसीलिए रिप्लेस कर देंगे इसको। रीशेड प्रीसेट, ये वाला स्टेप बाद में देखते हैं। एंड स्ट्रीट लाइट्स, अगर आपको यूज़ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रीट लाइट ये डिफ़ॉल्ट है और ये थोड़ा लाइटर है, येलो नहीं है ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट सनफ्लेयर, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं भी ऐसा कोई, ये जो सनफ्लेयर का इफेक्ट है ये चेंज हो जाएगा बस इस तरह से, यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको नहीं करता हूँ यूज़। ओके, तो यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। और आपको एक और एक काम करना था, जो मेन जो फाइल है इसको भी, आपका जो मेन गेम है गेम के अंदर भी एक बार इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से काम करे। तो यहाँ पे 5M फोल्डर का काम हो गया, तो इसको क्लोज करते हैं। तो अब जहाँ पे आपका गेम है, गेम फोल्डर GTA 5 का, वही फोल्डर को ओपन करना है आप लोगों को। तो मेरा यहाँ पे है एपिक गेम्स GTA 5 मेन फोल्डर जो है, जहाँ पे एक सी रहता है। तो यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर से, जो कोर ENB है, ये वो प्लगइन्स के अंदर जो है। ओके, तो सक्सेसफुली कंप्लीट इंस्टॉल। तो चलो टेस्ट करते हैं गेम के अंदर, तो इसको भी कट करते हैं, अभी गेम को ओपन करते हैं। और इसके अंदर आप लोग रीशेड भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी इंस्टॉल कर सके आता है, वो देखेंगे। ओके, तो 5M ओपन हो गया, अभी कोई भी सर्वर में जा सकते हैं। तो मैं अपना खुद का सर्वर है टेस्ट सर्वर, उसमें टेस्ट करते हैं काम कर रहे कि नहीं कर रहे। आप लोग कोई भी सर्वर में जाके टेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ज्वाइन हो गया, अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑलरेडी एक्टिव है ग्राफिक्स मोड।
यहाँ पे कुछ ज़्यादा शार्प लग रहा है पहले से भी, तो हम यहाँ पे इसको ऑफ़ करके देखता हूँ। तो शिफ्ट एपिकल है ऑफ़ ऑन ऑफ का बटन एनवी सीरीज का, तो यहाँ पे दिख पा रहा है ये नॉर्मल है और ये मोडेड अभी ऑन किया गपिस मोड वाला, तो यहाँ पे अभी देख पा रहे कितना अच्छा ज़्यादा अच्छा लग रहा है और भी पहले से। तो ये हो गया आपका एनवी इंस्टॉल। आप चाहे तो मोड जो डाला था वो भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ओनली एनवी यूज़ कर सकते हैं। तो चलो अभी और एक ग्राफिक्स मोड है उसको इंस्टॉल करके देखते हैं, रिशेड। दोनों को एक साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई एक, तो ये मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ इंस्टॉल करूँगा। तो चलो रिशेड डाउनलोड करते हैं पहले और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो रिशेड के मेन वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड करेंगे और यहाँ पे नीचे दिख रहा है यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन जो भी है इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे अभी 6.2.0 है। ओके, तो डाउनलोड हो गया, मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ। आपका जहाँ पे इंस्टॉल है वहीं से इसको ओपन कर लेना। तो चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका गेम जिस गेम के लिए यूज़ करने वाले, तो हम लोग GTA 5 के लिए यूज़ करने वाले, यहाँ पे GTA 5 सेलेक्ट करेंगे। और या फिर आपको यहाँ पे ब्राउज़र करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे GTA 5 इंस्टॉल है आपका, और उसको ओपन करके बस EXE सिलेक्ट करना है या फिर यहाँ से मैनुअली सिलेक्ट करो, डायरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये पॉपअप आएगा और एक मेनू, यहाँ पे DirectX 10 11 12 ये वाला सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट, और यहाँ पे आप ऑल सिलेक्ट कर सकते हो या फिर लिमिटेड अगर चाहो तो जो डिफॉल्ट है इसको भी रख सकते हो। देन तो यहाँ पे इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, फिनिश करेंगे, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया यहाँ पे दिख रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम लोगों ने गेम के अंदर इंस्टॉल किया अभी, तो इसको 5M के अंदर भी कॉपी करना पड़ेगा। तो जहाँ पे GTA 5 इंस्टॉल है, जहाँ पे हम लोग अभी इंस्टॉल किया वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको कॉपी करना है रिशेड का। तो यहाँ से हम लोग ये वाला फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, रिशेड शेडर्स। देन थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे DXJI DLL फाइल, इसको भी सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा नीचे और भी आएंगे, नीचे मिलेगा आर सेक्शन पे रिशेड प्रीसेट एंड ऊपर रिशेड INI, इन टोटल 4 फाइल्स, इसको कॉपी करेंगे और जाएंगे एप्लीकेशन जहाँ पे 5M फोल्डर है एप्लीकेशन डाटा, और उसके अंदर प्लगइन्स फोल्डर के अंदर इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग मॉडेड शेडर प्रीसेट इंस्टॉल करेंगे। आप कोई भी शेडर प्रीसेट इंस्टॉल कर सकते हो, तो मैं ये वाला इंस्टॉल करने वाला हूँ, इसका लिंक दे दूँगा नीचे। तो इसमें मैं जो फोल्डर्स है सारे कॉपी करेंगे और अभी जो जहाँ पे पेस्ट किया वही पे सेम जगह पे पेस्ट करेंगे और रिप्लेस करेंगे। तो अभी सेम फोल्डर्स को आपको जहाँ पे आपका मेन गेम है उसके अंदर भी पेस्ट करना पड़ेगा ताकि अच्छे से काम करे। आपको मेन गेम एंड 5M दोनों फोन जगह पे पेस्ट करना है फाइल्स को। ओके, तो शेडर अभी सक्सेसफुली इंस्टॉल नहीं है, अभी गेम ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा मैनुअली कुछ सेटिंग से ऐड करना पड़ेगा। तो ओपन करता 5M। ओके, गेम ओपन हो गया, अभी हम लोग F8 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है रिशेड का ऑप्शन, आपको ये मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, ये जो citizen.fx.ini फाइल है इसके अंदर। तो ये टोटल सेक्शन आपको यहाँ पे कॉपी करना है, तो यहाँ से तो कॉपी होगा नहीं, तो हम लोग यहाँ पे ओपन लॉक पे क्लिक करेंगे। तो ये एक नोट पैड ओपन होगा जो कि लॉक फाइल का है, बस यहाँ पे कंट्रोल एफ प्रेस करेंगे तो फाइंड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग रिशेड जो यहाँ पे जो नाम है इसको यहाँ पे टाइप करके एंटर दबाना है, सर्च करेंगे और ये सेक्शन आ गया। देखो यहाँ पे जो जो लिखा है यहाँ पे सेम लिखा है यहाँ पे भी है, जस्ट इसको आपको कॉपी करना है। अभी गेम को हम लोग इसको ओपन करके यहाँ पे एडिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गेम को एग्जिट करते हैं, मैन्युअली आपको ऐड करना होता है नहीं तो ये काम नहीं करेगा इसीलिए। तो हम लोग वही सेम फोल्डर 5M एप्लीकेशन जहाँ पे थे, प्लगइन्स वाले फोल्डर जहाँ पे थे, तो इसके यहाँ पे जो एक दिख रहा है citizen.fx.ini इसको एडिट करना है, इसको ओपन करेंगे एंड इसको यहाँ पे जो एड ऑन लिखा है सेम तरीके से आपको कॉपी करना है, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, इसको पेस्ट करेंगे, जगह छोड़ सकते हैं। देन और एक बार इंटर, तो नीचे वाला लाइन पे ये सेक्शन डालेंगे हम लोग।
ओके कंप्लीट हो गया। अब इसको सेव करते हैं, देन इसको क्लोज करते हैं, इसका काम हो गया। देन अभी फाइल में ओपन करेंगे हम लोग, ओपन हो गया गेम। अभी ऊपर दिख पा रहा है जो लोडिंग ले रहा है, ये रीसेट का लोड हो रहा है, तो पहले ये आ नहीं रहा था, अभी जो सेट किया इसलिए आ गया है यहाँ पे। तो चलो कनेक्ट करते हैं सर्वर पे, तो आप लोग कोई भी सर्वर पे कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ज्वाइन हो गया अभी अभी, आई थिंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है और भी रीसेट का जो प्रीसेट है इससे। तो आप लोग कोई भी प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं 5M के लिए, रीसेट हो या फिर ENB सीरीज, दोनों या फिर कोई एक, दोनों में से यूज़ कर सकते हैं। लो NPC है तो कोई एक यूज़ करके देखना, अगर हाई NPC है दोनों यूज़ कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। और कोरवेक्स जो 5M का ग्राफिक्स मोड है उसके अंदर जो फाइल्स हैं, मोड्स एंड ऑप्शनल आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई अगर और भी दूसरे मोड्स है तो ऐसे यूज करना है आप लोगों को, लाइक नेचुरल विजन, इवॉल्व आप यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।